मम्मी एक्सपोज हो गई, गर्मी हो रही है इतनी ज्यादा। तो यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी और मम्मी, दोनों में से एक उठाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जस्ट मैं बाहर आई हूँ बालकनी में, और बाहर आते ही देखा कि आज का मौसम माशाल्लाह क्या मौसम हो रहा है। ये देखो मतलब इतना सुबह सुबह इतना फॉग, सुबह भी नहीं हो रहा, अभी दिन हो गया और इतना ज़्यादा फॉग है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ना हाँ, मिस्टर राठी ने मुझसे बोला था कि कल सुबह तेरा कुछ गिफ्ट आने वाला है, पर वो अभी तक तो कुछ आया नहीं। अब मैं पूछ के आती हूँ कि वो मेरा उल्लू बना रही है, सच में कुछ आने वाला था। तो अभी मैं मिस्टर राठी से पता करके आई कि मेरा ऑर्डर जो भी आपने किया है सरप्राइज़, वो आने वाला है या नहीं आने वाला, कहीं आप मुझे झूठ तो नहीं बोले। तो उसने कहा कि वो सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे के बीच कभी भी आ सकता है। तो अभी मुझे रात को 9 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, नहीं रात के 10 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। और अभी जा रही हूँ नीचे। हाँ जी, तो ठंड लगी हरियाणा में तेरे को? क्या हरियाणा में ठंड लगी तेरे को? मैं तो बोल रहा गर्मी हो रही है इतनी ज्यादा। अच्छा, ये तो मैंने फैशन के लिए पहना है। अच्छा, उत्तराखंड में ज्यादा ठंड है, इधर ज्यादा ठंड है? जल्दी बता। यहाँ तो धूप भी नसीब नहीं होगी ठंड का। ठंड यहाँ ज्यादा है या वहाँ ज्यादा है? ठंड मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ ज्यादा है। यहाँ ज्यादा है ना? हाँ। यहाँ बर्फ नहीं गिरती लेकिन ऐसी ठंड हो जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा ही। पता है मैं सुबह सुबह बोली हाय गर्मी हो रही है आज तो। गर्मी आप रोटी खाओगे? रोटी मैं कुछ भी बना बताओ ना। जो तेरा मन। आज ठंड इतनी ज्यादा है कि मम्मी ने गेहूं भी अंदर ही सुखा लिया है, बाहर तो आज पता नहीं क्या ही हो गया आज। तो शाम के बज गए हैं 4:30 और मुझे ना बहुत तेज़ की भूख लग रही है और मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने मैगी नहीं खाई बहुत दिनों से। आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। अब वहाँ हमारे रूम से यहाँ मेरे को लगा आप नीचे हो ना? मैं यही था। क्या क्यों कर रहे थे यहाँ? ठीक है, रूम में मैं आपको परेशान कर रही थी ना? फिर केला ठीक रहता। मुझे मैगी खानी है। मैगी खानी है? आप भी खाओगे? खा लूं, खिलाएंगे। पर नीचे एक ही पैकेट रखा है ना। तो दुकान चलिए, अकेले जाऊं? क्यों, भूत खा रहे हैं तेरे को अकेले? नहीं, पर आप ऐसे कर पढ़ क्या रहे हो? कुछ नहीं पढ़ रहा। अच्छा, बिल बना रहे हो? चलो ठीक है, चाय भी बनानी है आपके लिए। बना रही है, बहुत अच्छा हो। अब बोलो गाइस, बीवी होने का फायदा बोलो, कुछ तो तारीफ कर दिया कर मेरी कभी। तारीफ शादी कर लेंगे लोग, अपने आप बता लग जाए। तो मैं घर से निकल गई हूँ मैगी लेने के लिए, और आज ना पूरे मतलब 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ, और मैं इतने दिनों के बाद अकेले पहली बार निकल रही हूँ घर से। मतलब पास मेरी शॉप है, पर फिर भी ना ऐसे अकेले, मतलब मैं गई हूँ तो मिस्टर राठी के साथ ही गई हूँ, मम्मी के साथ ही गई हूँ, अकेले निकली ही नहीं हूँ। एक बार ही जा रही थी अकेले दिल्ली, लेकिन फिर भी ना आलस आ गया मुझे, उस दिन फिर गई नहीं। और मुझे इतना अजीब अजीब सा लग रहा है कि अकेले अकेले है, अकेले पहले मतलब जब दिल्ली में थी तो सारा काम अकेले करती थी, और अब ना मेरा अकेले काम करने का वो छूट गया है। तो मेरे साथ हो गया है पोपट, मुझे मैगी नहीं मिली। मतलब जिस दिन मेरा कुछ खाने को मन करता है ना, वो होती ही नहीं है चीज़। अब मैं जा रही हूँ दूसरी शॉप पे, मुझे ये नहीं पता दूसरी शॉप कहाँ है, बस मैं चल रही हूँ गली गली। मुझे थोड़ा बहुत यहाँ के रास्ते थोड़ा बहुत याद हो गए, तो मैं तुक्का भिड़ाते भिड़ाते जा रही हूँ। और घर तो मैं बिना मैगी लेके जाऊंगी नहीं, चाहे मुझे मार्केट क्यों जाना पड़े चलते चलते। सो फाइनली मुझे मैगी मिल गई है, और अब मैं यहाँ से घर के लिए निकल गई हूँ और फिर घर जाऊंगी। और आज तो मैं मैगी और कॉफ़ी मतलब ठंडे का पूरा मजा लूंगी आज मैं। मम्मी इतनी गर्मी हो रही है, आपने शॉल क्यों ओढ़ा है? मैं दूर से फूंक मारी इसमें, मैं बोली इतनी गर्मी हो रही है आपने शॉल क्यों ओढ़ा है? हाँ, मैं बाहर से बोली गाइस आज बहुत गर्मी हो रही है देखो। तो यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी, और यहाँ पे बन रही है कॉफी, और ये है मिस्टर राठी की चाय। ये आपका वेट कर रही थी मैं। ओह माय गॉड, आपका मेरा चार्जर कहाँ है? ये फोन चार्ज पे लगा देती हूँ। मैगी भी ऊपर लेके आ जाऊँ? मैगी नहीं बना दी है, बस वो प्लेटिंग करनी है। मैं कढ़ाई में खा रही हूँ, कढ़ाई में लेके आ जाऊँ? ठीक, लौट गई मम्मी। ये बोल मम्मी आज उठे कब? आज बिस्तर से उठे कब ये बोलना? आज मम्मी बाय। आज मम्मी ने बाहर के दर्शन नहीं किया क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है। खाना पीना तो पापा राइस ना खाएंगे?
ठीक है मैं जाऊँ पर खाना मैंने बताया दी डिसाइड कर लियो दोनों आपस में मैं चलूं खाना बनाओ मैं ऐसे बैठी हूं चलो आज ना एक वो करते हैं एक टास्क करते हैं ठीक है मम्मी आज खाना बनाओ होगा कौन बनाएगा जा खाना बनाओ ठीक है मैं जा रहा हूं मेरे पेट में दर्द है थोड़ा बहुत गुंडे मारे का तो या था और कोई ना था तर फिर प्यारे ये तीन तो लटक गए और जो ये मरता अंडा इस बटन के लग गया बाजा है तो अभी बज रहे शाम के 7:30 हम लोग का खाना बन गया और मम्मी ने यहाँ पे अपना सपनों का पिटारा खोला है तो इस पिटारे में से मुझे कुछ मिला जो कि है ये है मिस्टर राठी कितना क्यूट था बचपन में और ये दीदी है मेरी कहाँ जाती है मुझे कुछ मिला देख क्या है गिफ्ट है आपके लिए 1 2 3 दोनों में से एक उठाओ कौन है ये बचपन में इतना क्यूट था क्या हाय कितना मस्त है आंखें कितनी सुंदर है बाल कितने सिल्की सिल्की दोनों वही थी सेम ही अच्छा एक बात बताओ मेरे तो सरप्राइज आने वाला था कहाँ है वो रात को 10 बजे तक आएगा तो कल आएगा मुझे धोखा मिला धोखा नहीं सब्र का फल मीठा होता नहीं मुझे सब्र का मुझे मीठा डॉक्टर ने मना किया कितने गंदे हो आप क्या बनाया खाने में वेजिटेबल राइस है ये थोड़ा आज वैसे बन गया थोड़ा खराब सा नमक कम हो रहा है मेरा ये चटनी है मेथी आलू और रोटी अच्छा चलो ठीक है प्लेटिंग कर दो यस मम्मी ने ना बाहर आज लाई है ठीक क्या थे अब क्या फायदा हाँ रात को सोने का टाइम है दिन में जलाती तो मुझे याद पिल्लों के लिए बगल में पिल्लों को ठंडा होना उनके लिए हम समाज सेवा कर रहे हैं समाज सेवा माफी दे दे पीछे रात ने सारे कंबला में जाने का टाइम एक बात होता ये रात ने सारे कंबल में जाने का टाइम आ गया ये बाग जलाने का की फायदा रात ने बैठ कर नींद क्यों करा सारा दिन सो ली ये नींद आने का काम है पड़ोसी भी देखा जाओ मम्मी काम करो अब यहाँ पर मूंगफली लेके आओ मूंगफली खाते रहो और आग सेकते रहो भाई अंदर तो ही जाने से तो गाइस मम्मी ने ये आग जब तक हमने खाना खाया मम्मी ने मस्त मस्त आग जला दी थी और मम्मी एक्सपोज हो गई है मम्मी ने मेरे को लगाया छोटे छोटे पिल्लूस के लिए लगाई होगी पर यहाँ मम्मी खुद ही आग सेकने बैठ गई मम्मी कह रही उनको कोयला दूंगी वो ज़्यादा सही रहेगी मम्मी देखो आपको छोटा पिल्लू बोल रहे हैं हाँ ये सही कहा ऐसे में जल जाएंगे ना वो सही कहा आपने कितनी अच्छी लग रही है ये स्लो मो में बनाऊंगी इसकी रील ऐसे मम्मी नजर उतार देना मेरी ऐसे करके
नहीं मम्मी रिकॉर्ड है मेरे पास जितना ज्यादा सबूत है।